व्यवस्था विवरण 11 प्रभु की महानता। इसलिए कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्हें कि न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाई और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या क्या किया। अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया। और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया। अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इसराइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु तो यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तूने अपनी आंखों से देखा है। प्रतिज्ञात देश की आशीषें। इस कारण जितनी आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खा रखी थी और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए कि अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बह कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर पड़े और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे और तुम उस देश में जो देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दे और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और इन्हें अपने अपने घरों के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए कि यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबालोन तक और पारात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे
उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उसमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष ग्रीजिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या ये यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कन्नानियों के देश में गिलाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यर्दन पार इसलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों को मानने में चौकसी करना। थैंक यू।